हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल फूडीज हब सीबीआर। आज की मेरी रेसिपी एक ऐसी स्वीट की है जिसमें हम मावा, घी, कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गर्म करेंगे और इसमें एक कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है। मार्केट में जो नॉर्मल वाली सूजी मिलती है उसी को ग्राइंड करके हम महीन सूजी बना सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को रोस्ट करेंगे और सूजी को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है। अब हम सूजी में मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम टोटल 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। धीरे धीरे सूजी ने पूरा मिल्क एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम बाकी 1/2 कप मिल्क भी सूजी में ऐड कर देंगे और इसे भी सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस को हमने अभी लो किया हुआ है, लो फ्लेम पर ही हमें यह प्रोसेस करना है। अब हम सूजी को पूरे पैन में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और गैस ऑफ करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखा रहने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम सूजी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हैंड को ग्रीस करेंगे और सूजी को गर्म गर्म ही हम मसल कर स्मूथ बनाएंगे। सूजी स्मूथ हो चुकी है, इसे अब हम स्प्रेड कर लेंगे और 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी हमने सूजी के बराबर ही ऐड की है। 1/4 कप नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए हम केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं, आप कोई दूसरा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बूंदें हमने केवड़ा एसेंस की ऐड की हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम सूजी में चीनी मिलाएंगे तो शुरू में सूजी थोड़ी गीली सी महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सूजी ठंडी होगी ये ठीक हो जाएगी। ये देखिए, अभी ये थोड़ी सी गीली लग रही है लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। अब हम इस डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 पार्ट को अभी हम हटा के रख देते हैं। अब हम 1 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर इस बचे हुए पार्ट में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ऑरेंज कलर का सूजी वाला डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इस डो को अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरे कलर का डो तैयार करेंगे। 1 पिंच ब्राइट ग्रीन फूड कलर सूजी में ऐड करेंगे। फूड कलर इस तरह की पैकिंग में मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। यही कलर्स हमने स्वीट बनाने के लिए यूज़ किए हैं। ग्रीन कलर को भी सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यह हमारा ग्रीन कलर का भी डो रेडी हो गया है और ये बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो गया है। हमारे दोनों कलर के डो रेडी हैं। अब हम अपनी स्वीट बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों डो में से हम एक एक पेड़ा बना लेंगे। बचे हुए डो को हम साइड में रख देते हैं और ये जो हमने पेड़े बनाए हैं इनको हम राउंड शेप देंगे। अब इनको हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। इसी तरह से हम ऑरेंज वाले पेड़े को भी एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे और इसके भी छोटे छोटे पेड़े काट कर तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी स्वीट बनाएंगे। एक एक पीस लेंगे, एक ऑरेंज कलर, एक ग्रीन कलर का पीस, इसके बाद फिर ऑरेंज कलर वाला पीस और फिर ग्रीन कलर का पीस। हमें एक कॉन्ट्रास्ट में बनानी है। अब इन सभी को हम इस तरह से उठाएंगे, हैंड में रखेंगे और ऊपर से हम सभी के कॉर्नर को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से हम इसे प्रेस करके मिला देंगे, फिर राउंड शेप देंगे और इसे अब हम हैंड से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। दूसरा भी इसी तरह से बनाएंगे। इसे हम हैंड में उठा लेंगे, ऊपर से इसे हम मिला देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से राउंड करेंगे। इसके बाद इसे हथेलियों से प्रेस करेंगे और ये लीजिए, हमारी मिठाई तैयार हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह से हम पूरी मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी पूरी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसे इस तरह भी खाया जा सकता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसे स्टीम करेंगे। 1 कढ़ाई में 1 ग्लास पानी बॉयल किया है। 1 स्ट्रेनर रखेंगे,
इसे घी से ग्रीस कर लेंगे और पूरी मिठाई हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एक कॉटन क्लोथ से इसे कवर करेंगे और ऊपर से इसे लिड से कवर करेंगे। भाप से बनने वाली पानी की बूंदों को ये कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी स्वीट पर वापस पानी नहीं गिरता है। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम मिठाई को चेक कर लेते हैं। हमारी मिठाई पहले से ज़्यादा फूल गई है और बहुत ही अच्छा इसमें ग्लेस आ गया है। अब हम इसे उठाकर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। स्टीम हो जाने से सूजी की मिठाई और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे आप नारियल के बुरादे से भी कोट कर सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। हम इसे नारियल के बुरादे से कोट कर रहे हैं। एक एक करके मिठाई के सभी पीसेस को हम नारियल के बुरादे से कोट कर लेंगे। ये हमारी पूरी मिठाई नारियल के बुरादे से कोट हो चुकी है। इस दिवाली पर कलरफुल एंड टेस्टी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।